लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किसी ने किया था, किस्मत अच्छी है कि बच गया। दौलत इंसान को कातिल बना देती है ये तो मालूम था, लेकिन फांसी के फंदे से भी बचा लेती है ये आज मालूम हुआ। दौलत में बड़ी ताकत है मिस्टर नायडू, बड़ी ताकत। जीवन भैया, जीवन भैया, दौलत का लालच तुम्हें इस कदर अंधा कर देगा, मुझे इस बात की उम्मीद न थी। दीपक, इसके बाद मुझे भैया कह के न पुकारना। नहीं पुकारूंगा, लेकिन मेरा यकीन मानो, विमला का खून जिसने भी किया था
भगवान जानता है, लेकिन याद रखो दीपक, इस जुर्म की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। Give me 362207. Thank you. Hello? 362207? May I speak to Mr. Suraj Prakash, please? Thank you. Mr. Suraj Prakash? Main Gopal Mittal bol raha hu. No, sir. Main aaj hi aaya hu. Mere bangle ka intezam ho gaya? Good. Main possession kis waqt le sakta hu? कल? आज क्यों नहीं? नहीं नहीं, सफाई वगैरह मैं खुद करवा लूंगा, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी उस बंगले में जाना चाहता हूं। ओके ओके, कल शाम को ही सही। हम गाड़ी के बारे में क्या हुआ? मुझे वही गाड़ी चाहिए, द सेम कार। थैंक यू। गोपाल मित्तल, कैसा लगा ये नाम आपको? जी बहुत अच्छा, लेकिन आप तो यूं पूछ रहे हैं जैसे ये नाम आज ही रखा हो। आपकी होशियारी की दाद देना पड़ेगी, कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। छुट्टा? हाँ ठीक है ठीक है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन हो तुम? मैं इस बंगले का माली हूं, नए मालिक।
मालिक आप यहां अकेले रहेंगे? आपकी बीवी? मेरी बीवी? मेरा मतलब था मालिक कभी कुंवारे हैं या? कुंवारा हूं, लेकिन फिक्र मत करो, जल्द ही एक मालकिन भी ले आऊंगा। नाराज हो रही हैं। ये महज एक इत्तेफाक था कि मैं आपसे टकरा गया। इत्तेफाक? लेकिन फिर ऐसे इत्तेफाक नहीं होना चाहिए, समझे? चलो फिर। कहता है महज एक इत्तेफाक था, खून डकैती का। चैन चुराना किसका है ये काम, मैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम, हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम, हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम, मैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम, अरे हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। तो खो गई ये सारी महफिल, वो आया तो खो गई ये सारी महफिल, देखा इस अंदाज से सबको बैठे दिल, थोड़ा सा वो मेहरबान थोड़ा सा कातिल, थोड़ा सा वो मेहरबान थोड़ा सा कातिल, वो जिसकी हर एक अदा पर लाखों है इल्जाम, वो जिसकी हर एक अदा पर लाखों है इल्जाम,
हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। नैन मिला कर चैन चुराना किसका है ये काम। अरे हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। गुस्सा है भला जिसपे आए प्यार। किसका गुस्सा है भला जिसपे आए प्यार। ऐसा दुश्मन हाय रे जिसको समझे यार। सोचो तो वो कौन है शर्मिला दिलदार। सोचो तो वो कौन है शर्मिला दिलदार। जिसकी मस्त नशीली नजरें ऐसी जैसे जाओ। जिसकी मस्त नशीली नजरें ऐसी जैसे जाओ। हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। नैन मिला कर चैन चुराना किसका है ये काम। हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। जागी सी जरा कुछ सोई सोई। जागी जागी सी जरा कुछ सोई सोई। आंखें भी उस शोक की है खोई खोई। शोला है वो फूल है या सपना कोई। शोला है वो फूल है या सपना कोई। जिसकी खातिर कोई भी हो सकता है बदनाम। जिसकी खातिर कोई भी हो सकता है बदनाम। अरे हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। नैन मेरा घर जैन चुराना किसका है ये काम। हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। देखो फिर वो बदतमीज अभी तक अपना पीछा कर रहा है। I see. Just a moment. Hey, mister! क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? आपका मतलब है कि मैं उनका पीछा क्यों कर रहा हूँ? मतलब कुछ भी हो, it's all the same. I just want to know why the hell are you following us? तो सुनिए, मैं उनका पीछा नहीं कर रहा हूँ। ये महज एक इत्तेफाक है कि हम दोनों आमने सामने रहते हैं और एक ही वक्त घर आए हैं। आज समझ में? पीने के लिए कुछ ठंडा लाओ। ठंडा लाओ? लेकिन आज तो मैंने कोई कसूर नहीं किया। शट अप। जी नहीं, पीने के लिए कुछ ठंडा लाओ। पीने के लिए? जी अभी लाया। ओह, पीने के लिए ने खुले रखे होंगे और खिड़कियां मैंने बंद की है। क्यों? भैया सामने एक गुंडा के ठहरा है। आज उसने मुझे बहुत तंग किया। प्रेम से पूछ लेना। तुम्हें तंग किया?
और प्रेम खामोश रहा? खामोश तो नहीं रहा, लेकिन लेकिन हर बार बात महेश एक इत्तेफाक बनकर रहेगी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, उसे ठीक कर दूंगा। ये तो मैं पहले ही जानती थी। थैंक यू। बहुत ही नटखट हो तुम। अच्छा सपना, तुमने अपने बारे में क्या फैसला किया? फैसला? हाँ, मेरा मतलब है कि प्रेम के साथ शादी करने के बारे में क्या सोचा तुमने? सोचा तो बहुत है भैया, लेकिन अब तक कुछ फैसला नहीं किया। देखो सपना, तुमने मुझसे कहा था कि इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो भैया हो जाएगा फैसला। चलिए चलिए, नहा धो लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। टाल गए? प्लीज भैया। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। जोंगली नहीं बनाया, मैं तो सुंदर बन के जंगल से आया हूँ, बाबरची हूँ, बैरा हूँ, आपका इश्तेहार पढ़ते ही हाजिर हो गया। लेकिन मैंने इंटरव्यू के लिए सबको 9 बजे बुलाया था। मालिक, मालिक, आपको किसी ने ऊपर आने से रोका नहीं? जी हाँ, रोका था उस बुड्ढे माली ने, लेकिन मैं उसे चौकमा देकर चला आया। तमीज से खड़े रहिए। I'm sorry, sir. आप नीचे जाकर इंतजार कीजिए, दूसरों के साथ आपका भी इंटरव्यू होगा। सर क्या है? मैं बेकार बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। तो चले जाइए। मैं जा भी नहीं सकता। क्यों? सर आप इजाजत दें तो तब तक आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करूं। ओके। ओ थैंक यू सर। सुनो जी, नाश्ता तैयार करने का मतलब ये नहीं होगा कि सर आप फिक्र मत करिए, मैं नौकरी को पक्का नहीं समझूंगा। I'm sorry, आपका किचन किधर है? हो वेरी गुड, प्याज में घासलेट का तेल तो डाल दिया। अभी रहा अंडा का बारी। अंडा का बाबू का ऐसा अंडा खिलाएगा कि डांडा पहुंचा देगा। आपका याद करेगा कोई कोली पता है? ये लो बाबू, डबल ऑमलेट, विटामिन सारे का और धनी सॉस से भरा हुआ। मैंने प्याज और अंडे का कोई हिस्सा बाहर नहीं किया। ओ खा लो बाबू, ये तो अंडे का छिलका है, बड़ा ताकत वाला चीज है। डॉक्टर का रिपोर्ट के मुताबिक इस छिलकेदार चीज का छिलका निकाल देने से सारा ताकत चला जाता है, जैसे कि सेब का छिलका, केले का छिलका अपने अंदर। इंटरव्यू वाला आ गया। गुड, उनसे कहो मैं अभी आता हूँ और तुम भी जाके उनके साथ लाइन में जाके खड़े हो जाओ। अरे अपनी नौकरी चला अभी। अरे बाबरे, अरे बाबा, देखिए मुझे बहुत अफसोस है, मैंने आप सबका वक्त जाया किया, लेकिन आप यहाँ से जा सकते हैं। मगर आपने कल इश्तेहार दिया था, ठीक 9 बजे बुलाया था। ठीक है, दिया था, लेकिन हमने नौकर रख लिया है, वो पर नाश्ता बना रहा है। आप सब यहाँ से जाइए, दो अभी बने चलिए, जाइए यहाँ से। ए भाई, तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुम भी यहाँ से जाओ।
हमारे कोई बच्चा बच्चा नहीं है। आहिस्ते बोल आहिस्ते, नहीं तो ईंट मारूंगा। कहीं मेरे सामने सुन लिया तो काय भगवान ने सुना काय? अरे नहीं सुना की डरती थी। हाँ आहिस्ते क्यों भाई, किसी से डरती नहीं। हाँ जब से हमारा नगर हुआ है तू इधर उधर भटकता फिरता है। कभी ड्राइवर बन जाता है तू, कभी बेरा बन जाता है, कभी चीन चने का दुकान खोल लेता है तू, कभी बावर्ची बन जाता है, दो तीन महीना घर से भूल जाता है और मैं तारे गिनती रहती। क्या तुमको मुझसे जरा बन प्रेम नहीं? प्रेम है ईटा भाई, प्रेम है। लेकिन तू अभी इधर से जा, मैं रात को घर आऊंगा। अच्छा मैं जाएगी तो तू आएगा, पर मैं इधर से नहीं जाएगी, मैं इधर ही रहेगी। तू जिधर उधर मैं। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, साहब को एक नौकर की जरूरत है, दो की नहीं। हाँ तो तुम इधर काय करना, तुमको रसोई बनाना किधर आता? आता क्यों नहीं, इस किताब की मेहरबानी से आज इसने मुझे छिलके समेत प्याज और अंडे का आमलेट खिलाया है, और हो सकता है कि डिनर में परों समेत मुर्गी और सिंह समेत बकरा भी खिला दे। बात ये है सर, मेरा गाउन। What are you doing in my gown? आपका गाउन? अरे बाबा रे, वो फिंगर गलती हो गई। Get out, 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 out! मुझे तुम जैसे कुक बैरा की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कुक बैरा नहीं हूँ सर। तो फिर यहाँ क्यों आए? दरअसल बात यह है, ये मेरी बीवी ईटा बाई कुक है और मैं बैरा हूँ, हम दोनों मिलके कुक बैरा हैं। लेकिन मुझे एक की जरूरत है, दो की नहीं। सर हम दोनों भी एक हैं, दो नहीं। क्यों ईटा बाई? तो ठीक है, तनख्वाह भी एक ही की मिलेगी, दो की नहीं। जी 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 मंजूर है तो काम करो, वरना जाओ, इंटरव्यू के लिए लोग आ गए होंगे। हाँ जी आगे होंगे, जरूर आगे होंगे, लेकिन हमें मंजूर है। क्यों बेटा भाई? हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सुनो अगर यहाँ काम करना है तो ये फटे पुराने कपड़े नहीं चलेंगे। साहब पगार मिलेगा, मैं नवीन ले लेगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा। सर अगर आप भाजी लेने जा रहे हैं तो एक हाफ पैंट मेरे लिए भी ले आना। भाजी आप लेने जाएंगे? अभी की बोल दो, अभी की बोल दो, फिर गलती होगी। तारी काउंटर? ओह थैंक यू। कितनी बढ़ गई थी मेरी साड़ी। सारे ये महज एक इत्तेफाक था कि मैं खुद समझती हूँ तुम्हें और तुम्हारी इत्तेफाक गुंडा के साथ। क्या हुआ सपना, क्या बात है? इसे तुम्हें छेड़ा एक बार नहीं हजार बार, लेकिन अब मैं इसे मजा चखा कर दूँ। इसे पता चले लड़कियों को छेड़ने से मिलता क्या। ना मैं लड़कियों को छेड़ने का आदमी हूँ और ना उनसे थप्पड़ खाने का। ऑल राइट मेरा हाथ छोड़। मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन सपना आईना से अपना हाथ और साड़ी का पल्लू संभाल कर रखा करो, कहीं कोई और ना पकड़ ले। बदमाश की बेशरम लो सर आवारा कहीं। हेलो सपना, आज जो कुछ भी हुआ यकीन मानो महज एक इत्तेफाक था। कौन है आप? वही जिसने भूले से आपका दामन थाम लिया था। तो आप हैं? गेट लॉस्ट, और इसके बाद मुझे फोन करने की कोशिश न करना। हेलो। लेकिन मुझे यकीन है कि ये इत्तेफाकात कोई ना कोई रंग जरूर लाएंगे। मेरे भैया को घर आने दो, फिर देखना तुम्हारी ये हरकतें क्या रंग लाती हैं। चंदन, चंदन। आपने बुलाया मिंदा? जी हाँ मैंने बुलाया, जरा बात लगा दो। हाथ लगा दूँ? किसको हाथ लगा मिंदा? ओ हाथ नहीं बात, जरा नहाने का पानी खोल दो। नहाने का पानी खोल दूँ? अभी लीजिए। You're a swine, scoundrel, बदमाश, loafer, fool. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें खुद शूट कर देती।
लेकिन कोई बात नहीं, भैया को आने दो। व्हाट? सपना जी क्या कह रही हो? कौन है आप? मैं प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम? I'm sorry प्रेम, but one minute प्रेम please। मैं तो पानी ले। हेलो। अरे टेलीफोन, तुमने किसके कहने पे टेलीफोन बंद किया? जी वो अब प्रेम क्या सोचेगा? आप कहीं तो फिर से नीचे रख दूं। ऑल राइट बाबा, गेट आउट। हेलो प्रेम, वो मेरी गलती नहीं थी, चंदन ने टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, लेकिन बात कुछ जरूर है। हाँ है। क्या है? वो जो गुंडा है ना, कल वाला, वो बार बार टेलीफोन पर मुझे तंग कर रहा था। ओह, लेकिन सपना, हो सकता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता हो। मोहब्बत? मायसूर? ऐसा ना कहो सपना। क्यों? हो सकता है मेरी बात सच हो और आमने सामने वाले एक दूसरे के करीब। आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम, आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम, प्यार में हो रहे हैं सितम पे सितम, लेकिन खुदा की कसम होंगे जिस रोज हम आमने सामने, होंगे जिस रोज हम आमने सामने, सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम। हर नाज की हमने तारीफ की, उनके हर नाज की हमने तारीफ की, शुक्रिया भी न कहने की तकलीफ की, हमने देखा तो पर्दे में वो छुप गए, हमने देखा तो पर्दे में वो छुप गए, क्या पता था वो मगरूर हो जाएंगे। आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम, आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम। खूबसूरत है वो और मासूम है, खूबसूरत है वो और मासूम है, अब ये बातें कहाँ उनको मालूम है, जो फसाने फकत अपने होंठों पे है, जो फसाने फकत अपने होंठों पे है, हर गली में ये मशहूर हो जाएंगे। आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम, आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम। अपनी निगाहों पे है एतबार, हमको अपनी निगाहों पे है एतबार, एक दिन उनको कर देंगे हम बेकरार, जिस तरह हम मोहब्बत में मजबूर हैं, जिस तरह हम मोहब्बत में मजबूर हैं, इस तरह वो भी मजबूर हो जाएंगे। आजकल हमसे रूठे
सनम प्यार में हो रहे हैं सितम पे सितम होंगे जिस रोज हम आमने सामने होंगे जिस रोज हम आमने सामने सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे आजकल हम से रूठे हुए हैं सनम मैं कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाने का सोच रहा हूँ। हाँ वंडरफुल, मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हें साथ ले जाना नहीं चाहता। क्यों? लेकिन किसी और के साथ जरूर भेज देना चाहता। सपना, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम्हारी और प्रेम की शादी कर दूँ। भैया मुझसे इतने तंग आ गए हो क्या? क्यों, प्रेम तुम्हें पसंद नहीं? ये बात तो नहीं भैया, लेकिन इसे जल्दी भी क्या है। देखो सपना, अरे सभी आ गई है, इस बात का फैसला 2 दिन में हो जाना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। बाय बाय भैया। बाय बाय। हाय सपना। अरे सपना, आज वो रोमी नजर नहीं आ रहा, क्या होगा कहीं आवारा गद्दी करने? मुझे क्या? हाँ हाँ तुम्हें क्या मतलब? मतलब ये कि वो चाहे गुंडा बदमाश आवारा लेकिन मोहब्बत तुमसे करता है। मोहब्बत? मुझे तो शक है वो इस वक्त से किसी और लड़की का पीछा कर रहा होगा। मैं सच कहती हूँ सपना, उस दिन मुझे ऐसा लगा वक्त आने पर तुम्हारे लिए चांद भी दे दे। बस बंद कर। यकीन हो तो आजमा कर देखे। वो कैसे? लेकर आया हूँ। ऑल राइट, छोड़ दो मुझे। चलो रत्न। ये भी इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त हम दोनों एक साथ हैं और भगवान ने चाहा तो हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें जो बकना है बकते रहो, मौका आने पर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे।
सपना। मुझे माफ कर दो गोपाल। माफ कर दूं? किस बात के लिए? शायद तुम्हें, शायद आपको मालूम नहीं, मैं मेरी गुड़हन में नहीं थी, मेरी सहेलियों ने आप सब किया था। शुक्र है मजाक किया था, वरना तुम भी जख्मी होकर किसी अस्पताल में पड़ी होती तो इस वक्त मुझे यहां पूछने कौन आता। It's time to go, Miss Sapna. अब मुझे जाना चाहिए। फिर आओगी? हेलो गोपाल। हेलो। आज आप कैसे हैं? कल से अच्छा हूँ। ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ। शुक्रिया। सीजन के पहले फूल हैं। भगवान करे ये हमेशा खिलते रहे और तुम इन्हें हमेशा मेरे लिए लाती रहो। अभी दवा का वक्त नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? चार तो बज रहे। चार नहीं बज सकते, चार बजे तो सपना को आना है। हो सकता है आज हो लेट हो। तुम्हारी घड़ी फास्ट हो सकती है लेकिन सपना लेट नहीं हो सकती। हेलो गोपाल। ओ हेलो, आप अपनी घड़ी जरा ठीक कर दीजिए। घड़ी? क्या बात है, आपका पेशेंट हमसे दवा पीने में खिट पिट करते हैं। लीजिए आप ही पिला दीजिए। अच्छी बात है। गोपाल टेम्परेचर तो लेने तो? यहाँ से नहीं। तो? यहाँ से। क्यों? अगर थर्मामीटर मुंह में डाल दोगी तो मैं तुमसे बात कैसे करूंगा? अच्छा सपना, ये तो बताओ तुम इतना बदल क्यों गई हो? मैं? हाँ, पहले तो मुझे हर बात पर इडियट, स्काउंड्रल, लोफर कहा जाता था और कहा। सिर्फ इसलिए कि ये चोट आपको मेरी वजह से आई थी। और अगर किसी और की वजह से आई होती तो मैं इस वक्त प्रेम के साथ पिक्चर देखने गई होती। ओह, आई डू मिस हिम सो मच। कितना हुआ? नॉर्मल। नॉर्मल? थैंक गॉड। दूसरे शो में अभी वक्त बाकी है, तुम चाहो तो प्रेम के साथ पिक्चर जा सकती हो। आज नहीं लेकिन कल तो मैं जरूर जाऊंगी। अरे हाँ, कल आप भी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं ना? जी हाँ। मुझे अफसोस है गोपाल, कल मैं आपसे मिलने नहीं आ सकूंगी। अब मैं चलूं। बाय। कभी फिर मिलेंगे इत्तेफाक से। आज आपने मुझे फिर बंदर कहा। सपना मैम साहब घर पे हैं? अपना? अपना इस घर में क्या, सारी दुनिया में नहीं है सरकार। बाप बचपन में मर गया, माँ दादा होते ही मर गई। मैं पूछता हूँ सपना मैम साहब घर पे हैं? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। मैम साहब घर में नहीं है। घर पे नहीं? क्या बात है, आजकल जब भी आओ घर पे नहीं होती। घर में नहीं सोती? सोती तो वो घर में है हाँ, लेकिन दिन में वो अस्पताल जाती है। हॉस्पिटल? जी। क्यों? उनका कोई दोस्त है वहाँ, लेकिन आज आखिरी दिन है और वो आज ही अस्पताल से छूटने वाला है। कौन है वो? कौन से हॉस्पिटल में जाती है? मुझे नहीं मालूम।
कोई बात नहीं, मैं खुद चल लूंगा। हेलो गोपाल सिस्टर। यस गोपाल कहाँ है? वो तो कल रात से बगल किसी से कुछ बोले चला गया। बर्दाश्त न कर सके। प्रेम के साथ पीछे देखने नहीं गई? अरे तुम तो रो रही हो सपना। मैंने तो मजाक किया था। मजाक किया था? जानते हैं आपके मजाक ने मुझे। अच्छा अच्छा मैं फिर ऐसा मजाक नहीं करूंगा। प्रॉमिस? एक शर्त पर। क्या? तुम्हें बताना होगा कि तुम ये वादा क्यों लेना चाहती हो। बोलो क्या क्या तुम्हारे दिल में भी। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। Bye.
थी ये भी इत्तेफाक की बात है। से बहुत पहले कर लेना चाहिए थी। ये सिर्फ आपकी इज्जत का ही नहीं, जिंदगी का भी सवाल है। भैया सपना, जिसे तुम कुछ दिन पहले बदमाश और लोफर कहती थी, अब तुम सारा सारा दिन उसके साथ घूमती हो। हाँ भैया, लेकिन तब मैं उसे गलत समझी थी। वो बहुत अच्छा इंसान है, बहादुर, नेक। सपना, मुझे उसकी खूबियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलना जुलना बंद कर दो और जल्द से जल्द प्रेम के साथ शादी कर लो। क्या ये हुक्म है? हाँ, अगर बड़े भाई को ये हक है कि अपनी छोटी बहन को हुक्म दे सके तो बेशक ये हुक्म है। और अगर छोटी बहन को ये हक है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सके तो मुझे आपका हुक्म मानने से इनकार है। वो बात तुम्हारे साथ इसलिए शादी करना चाहता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जायदाद का भी मालिक बन जाए। भैया, आप जिसके बारे में कुछ बारे में क्या जानती हो? कौन है वो, कहां से आया, क्या करता है? इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। वो जो कोई भी है, जहां से भी आया है, मुझसे प्यार करता है। और मेरा फैसला है, अगर मुझे शादी करनी है तो मैं उसी के साथ करूंगी। और मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, वो हम जितना न सही मगर एक अमीर आदमी है और आपकी तरह एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। सपना, तुम गोपाल को भूल जाओ, प्रेम से शादी कर लो। आखिर प्रेम में कौन सी ऐसी बुराई है? तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जिस किसी में कोई बुराई ना हो, मैं उसे शादी कर लूं? लेकिन भैया, आप गोपाल के इतने खिलाफ क्यों हैं?
क्योंकि वो तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से शादी करना चाहता है। गलत, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी मेरी दौलत के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए दांव पर लगा दी। सपना, प्यार से तुम मेरी बात नहीं मानोगे लेकिन मैं तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरे फैसले को ठुकरा दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मिस्टर गोपाल, हेलो प्रेम, क्या बात है, अकेले नजर आ रहे हो, सपना तुम्हारे साथ नहीं है आज? क्योंकि सपना आजकल तुम्हारे साथ नजर आने लगी और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात अगर मिस्टर प्राण ने कही होती तो ठीक लगती क्योंकि वो सपना के भाई हैं। लेकिन तुम? मैं उसका भाई नहीं हूँ मिस्टर गोपाल, लेकिन जिस रास्ते पर सपना मेरे साथ साथ चल रही थी तुम उस रास्ते की रुकावट बन गए। मैं चाहता हूँ तुम अपने आप उस रास्ते से हटा लो वरना प्रेम की जो फितरत है कि जिस चीज को हासिल नहीं कर सकता उसे वो खत्म कर देता है। मिस्टर प्रेम, कल्याण हो। अगर तुमने मेरे फैसले को ठुकरा दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डर गई? यस्सी नहीं, कागज का है। मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। लेकिन बाजार में असली खंजर भी मिलते हैं सपना, और उनसे सिर्फ डराया ही नहीं बल्कि जान से भी मारा जा सकता है। तुम तो जानती हो सपना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और शायद तुम भी जानते हो मैं इसके लिए इनकार कर चुकी हूँ। मैं गोपाल से, अगर गोपाल का नाम कभी दोबारा दबाए, तुम कौन होते मुझ पर हुक्म चलाने वाले? आज के तुम्हारा भाई मेरा दोस्त ना होता तो मैं तुम्हें बता देता कि मैं कौन हूं तुम पे हुक्म चलाने वाला। मैं तुम्हें यह भी बता देता कि मेरी बात न मानता किस तरह तुम अपनी और अपने भाई की जिंदगी की बर्बादी का बाहर बन सकती हो। नहीं करना चाहता लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी डोरी उठेगी तो सिर्फ मेरे लिए, वरना जनाजा उठेगा तुम्हारा और गोपाल फिर। हेलो हेलो सपना, क्या बात है बोलो, तुम इतनी घबराई हो क्यों? तुम्हारे भैया ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया, यही ना? सिर्फ यही नहीं, भैया ने कहा अगर मैंने प्रेम से शादी ना की तो मुझे जान से मार डालेंगे। यूं ही कह दिया होगा, लगता है तुमसे ज्यादा उन्हें प्रेम से प्यार है। और प्रेम भी आया था, कहता था अगर मैंने दोबारा तुम्हारा नाम भी लिया तो वो भी मुझे जान से मार डालेगा, और तुमने यकीन कर लिया? सपना, तुम्हें जान से मार डालना इतना आसान नहीं, जानती हो? जानती हो मैं तुम्हारे भैया और प्रेम की धमकियों के जवाब में क्या करने वाला हूं? क्या? शादी। तुमने वो बात कह दी जो मैं तुमसे कहना चाहती थी।
मैं गोपाल मित्तल सपना माथुर को कानूनी तौर पर अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। आप भी कहिए। मैं सपना माथुर गोपाल मित्तल को कानूनी तौर पर अपना पति स्वीकार करती हूँ। थैंक यू। आप भी आइए। मुबारक हो। अब आप दोनों पति पत्नी। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो सर। हम दोनों को बहुत खुशी है शादी की भी। और क्या बात यह सर, जब हमारी शादी हुई थी बहुत कड़की थी। हम हनीमून पे तो नहीं जा सका, लेकिन आपकी शादी के बहाने हम भी फुल मून देख लेगा। सुबोध, हनीमून पे नया शादीशुदा जोड़ा जाता है। हम और ईटा भी शादीशुदा जोड़ा है। क्यों ईटा? लेकिन हनीमून पे अलग अलग जाते हैं। हम बाजू वाली खोली में सो जाएगा। अच्छा अच्छा, हम जब वहाँ से आएंगे तो तुम्हारे लिए कमरा बुक कर देंगे। ठीक है ठीक है। लेकिन आप ये तो बता के जाइए आप कहाँ जा रहे हैं। शायद कुछ आपको मनी ऑर्डर भेजना हो, कुछ तार भेजनी हो। बहुत कश्मीर। ठीक है ना सर? तुम्हारे साथ कहीं भी। गुड, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया।
आशीर्वाद ना तुम्हें किसी ने दिया और ना मुझे। आप भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं।
वो है उस महात्मा की समाधि जिसने 13 साल वहीं तपस्या की, वहीं मुक्ति पाई, और ये है शिव शंकर जी की। सपना, अपने लिए कुछ मांगो। तुम्हें पाने के बाद मुझे और किस चीज की तमन्ना हो सकती है गोपाल? लेकिन मुझे है तुम्हें पाने के बाद उस दौलत की तमन्ना जिसका नाम नाम बाद में सोचेंगे, जिसे औलाद कहते हैं। भगवान, हमें जल्दी ही दो छोटी छोटी मुनिया और एक मुन्ना। इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे तुम्हें और पुजारी जी को भगवान ने ही बनाया। भगवान, सपना चाहे इसे मजाक समझे, लेकिन तुम इसे मजाक मत समझना। अपने हाथों अपनी मोहब्बत का खून कर दिया, अपनी बहन को ऐसे आदमी के हवाले कर दिया जो एक प्रेम प्रेम। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम तो जानते हो प्रेम, मैं उसकी शादी तुमसे करना चाहता था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मैंने उसको यहां तक कह दिया कि अगर उसने मेरी बात न मानी तो उसकी जान तक ले लूं। आप सिर्फ उसे धमकी दे सकते थे क्योंकि वो आप बहन थी, लेकिन मैं आपकी तरफ से धमकी नहीं दूंगा, मैं उसे चार से मार डालूंगा। प्रेम प्रेम, क्या हुआ? इंजन गर्म हो गया है। लेकिन गाड़ी तो ठीक चल रही थी। ठीक तो चल रही थी लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं। मैं अभी चेक करता हूँ। हुआ गोपाल? रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। माय गॉड, अब क्या होगा? होगा क्या, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। और मैं? तुम यहीं रहो। यहीं? मेरा मतलब है गाड़ी के बाहर। फिर ठीक है, मैं अंदर ही बैठती हूँ। डोंट बी सिली, कम ऑन, हैव अ वॉक, घूमो फिरो, नजारे देखो। गोपाल जल्दी आना। यूं आऊंगा तो पता भी ना चले। घबराइए नहीं, आपकी बीवी अब खतरे से बाहर है। मिस्टर गोपाल, इतनी ऊंचाई से गिर के मैंने कभी किसी को बचते नहीं देखा। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपकी बीवी इतने गहरे पानी में गिरी कि उन्हें कोई चोट नहीं, और हम उन्हें बचाने में कामयाब हो सके। सपना बच गई, ये तो मैं उसी वक्त से जान चुका हूँ। अब पुलिस प्रेम और प्राण के बारे में छानबीन करेगी। ओ, तो मामला पुलिस तक पहुंच गया है? जी, बहुत बुरा हुआ, लेकिन खेल अपने हाथ से नहीं निकलना चाहे, समझे? बहुत अच्छा। अरे सुनता है कि नहीं? सुबोध, अभी किधर को जाएगा? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? काय? अरे तुम तो अपना ईटा है। ओए फिंगर, तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता। अरे अरे कौन बोलता है, हमको तो तुम्हारे सारे खानदान से प्यार है। दिन रात हम तुम्हारा फोटो हमारे पॉकेट में लिए फिरता हूँ। ये देखो कैबिनेट साइज, ये देखो। बच्चा फोटो, शादी मेरे साथ, प्रेम मेरे को, और फोटो मेरे साथ का लेके फिर। अरे 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 सुनो, ये तो लॉटरी वाले का गलती हो गया। हमने हमारा धोती धुलने को दिया था, ये उसका गलती है। हमारा क्या? कुछ नहीं समझती, मैं चल रही। ओगो सुनो, अखियाँ
ना चुराओ, बाल मा अखियां ना चुराओ, बाल मा ओ सानू छड़ के ना जाओ, जाल मा ना तोड़ नजरिया की डोर को के फिर पछताएगा जो मैंने दिल दे दिया किसी और को, अखियां ना चुराओ, बाल मा सानू छड़ के ना जाओ, जाल मा दिल का शीशा टूट न जाए, टूट न जाए, टूट न जाए, दिल का शीशा टूट न जाए, आशिक तेरा टूट न जाए, दामन ना छुड़ा दामन ना छुड़ा, ओ बाल मा थानू छड़ के ना जाओ, जाल मा ना तोड़ नजरिया की डोर को के फिर पछताएगा जो मैंने दिल दे दिया किसी और को, अखियां ना छुड़ाओ, बाल मा थानू छड़ के ना जाओ, जाल मा अगर थाम गो सुन ले, अगर थाम थाम गो सुन, मैं दिल वापस ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, मैं दिल वापस ले जाऊंगा, दर्द तुझे वो दे जाऊंगा, नहीं किसकी दवा नहीं किसकी दवा, ओ बाल मा थानू छड़ के ना जाओ, जाल मा ना तोड़ नजरिया की डोर को के फिर पछताएगा जो मैंने दिल दे दिया किसी और को, अखियां ना चुराओ, बाल मा थानू छड़ के ना जाओ, जाल मा किस्मत में था तुझ पे मरना, तुझ पे मरना, तुझ पे मरना, हाय किस्मत में था तुझ पे मरना, क्या रखा है तुझ में वरना, कुछ है तो बता, कुछ है तो बता, ओ बाल मा सानू छड़ के ना जा, ओ जाल मा ना तोड़ नजरिया की डोर को के फिर पछताएगा जो मैंने दिल दे दिया किसी और को, अखियां ना चुराओ, ओ बाल मा सानू छड़ के ना जा, ओ जाल मा कह सकता छज्जू मलके पुत्रा, इस थप्पड़ा नानी समझेगा, इस जुतिया नानी समझेगा।
रीटा, रीटा, इसे कह दो अभी तुम्हारे दीदी बोलते बारी ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ अब मैं किसी और का फोटो नहीं रखूंगा। किसी का पन्ना है? शिवाय तुम्हारे फोटो के। बहन इसको छोड़ दो। क्या? ये माला बहन नहीं बोल सकता, क्या इसकी जीत चढ़ती है? नहीं, ये माता मर्द है। क्या? मैं मर्दा मराठा आहे। अरे तुम इसकी कैसी बीवी है और ये तेरा कैसा मर्द है जो इसको सामने बिठाते जुतियां बुआती पड़ी है, तुम सब मिलके इसको मारो। हेलो मिस्टर गोपाल। ओह हेलो डॉक्टर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मिसेस मिसेस आप कमरे में नहीं, वो लान से बैठी है सामने। सपना के साथ इंस्पेक्टर पुलिस बयान लेने आए। थैंक यू। क्या आपको यकीन है कि ज्यादा ऊंचाई पर खड़े होने से आपको चक्कर नहीं आते? जी हाँ। ठीक है। हेलो सपना। हेलो गोपाल, मीट मिस्टर कुमार इंस्पेक्टर एंड माय हस्बैंड गोपाल। सपना तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा दर्द बाकी। ये भी तो हो सकता है मिसेस गोपाल कि आपको किसी ने धक्का ना दिया हो, आपको पांव फिसल गया हो और आप गिर पड़ी हो। जी नहीं, मैं धक्का देने वाले हाथों को अब भी अपनी पीठ पर महसूस कर सकती हूँ, वो बहुत मजबूत हाथ थे। मिस्टर गोपाल आप उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त आपकी मिसेज को धक्का दिया गया? रेडिएटर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए हमारी गाड़ी बंद पड़ गई थी। मैं पानी लेने के लिए कुछ दूरी पर चला गया था। Quite interesting. But true. गोपाल उस वक्त मुझसे बहुत दूर जा चुके। Naturally. इसलिए ना तो ये धक्का देने वाले को देख सके और ना पकड़ सके। मिसेज गोपाल क्या आपका कोई दुश्मन है? जी? मेरा मतलब कोई ऐसा जिसको आपकी मौत से कुछ फायदा पहुंच सके? जी नहीं। इसके अलावा कोई ऐसा जिससे आपकी कोई जाति दुश्मनी हो? जी हाँ, इनके भैया जिन्होंने यह धमकी दी थी कि वो सपना को जान से मार डालेंगे अगर सपना ने प्रेम से शादी ना की तो। ये मिस्टर प्रेम कौन है? इनके भैया के दोस्त, और उसने भी ये धमकी दी थी कि अगर सपना ने उससे शादी ना की तो वो सपना की जान ले लेगा। आपके भैया का नाम और एड्रेस? फरूक लॉज, बांद्रा, बॉम्बे। थैंक यू। मेरा ख्याल है आप कुछ दिन और यहाँ रहेंगे। जी हाँ, लेकिन आज ही मैं सपना को हॉस्पिटल से ले जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर मुजरिम का पता चल गया तो मुझे आपके बंगले पे आना ही पड़ेगा। बाय बाय मिस्टर गोपाल। बाय बाय गोपाल। अब मुझे कभी अकेले मत छोड़ना। कभी नहीं। ये लो। क्या हुआ, दर्द हो रहा? पीठ में। लाओ मसाज कर देता हूँ। थैंक यू। प्लेजर मैम। सपना तुम्हारी गर्दन इतनी पतली और नाजुक है, कैसे देखकर मुझे उसकी बेवकूफी पे हंसी आती है जिसने तुम्हें धक्का देकर कत्ल करने की कोशिश की। क्यों? अगर वो अकलमंद होता तो बजाय धक्का देने के तुम्हारी गर्दन दबा देता। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि वो अकलमंद ना था। गोपाल इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। शायद ये कहने के मुजरिम का पता नहीं चल सका। कमाल, मेरे पुट समथिंग ऑन। हेलो इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग मिसेस गोपाल। गुड मॉर्निंग। मुजरिम का पता चला? मुझे अफसोस है कि आपके भाई। नहीं, उन्होंने धमकी जरूर दी थी लेकिन वो मुझे मान नहीं सकते। वो बेचारे तो खुद मरते मरते बचे। जी जी हाँ, उनकी तबीयत उसी दिन से खराब थी जिस दिन आपने घर छोड़ा।
और 5 नवंबर को जिस दिन आपको कत्ल करने की कोशिश की गई उस दिन आपके भाई को हार्ट अटैक हो गया और मिस्टर प्रेम मल्होत्रा जिन्होंने आपको मार डालने की धमकी दी थी उसी दिन से आपके भाई के साथ और इन दोनों में से कोई भी बंबई से बाहर नहीं आया और इससे साफ जाहिर होता है कि आपको धक्का देने वाला इन दोनों में से नहीं बल्कि कोई और मुजरिम कौन है इसका पता लगाना आपकी ड्यूटी और मैं इसलिए यहां आया हूं मिस्टर गोपाल सिर्फ आपको यह बताने कि हम पुलिस वालों के हाथ बहुत लंबे होते हैं और एक ना एक दिन मुजरिम को पकड़ ही लेते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए हाथों की लंबाई के साथ साथ नजरों में पहचान का होना भी जरूरी है इंस्पेक्टर साहब हाथ गलत जगह पर पड़ जाए तो कट भी जाया करता है क्या पियेंगे आप ठंडा या गर्म जी कुछ नहीं शुक्रिया अब मैं चलूंगा मुजरिम का पता चल जाए तो जरूर तशरीफ लाइएगा बात हूँ बाय क्या बात है गोपाल कुछ भी तो नहीं चलो वापस बॉम्बे चले अब मेरा दिल यहाँ नहीं लगता बस तुम इस हादसे से घबरा गई है कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा हाँ चेयर्स प्रेम तुम कहाँ चले गए थे कहीं नहीं नर्स ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ नहीं हो हाँ हाँ मैं जरा डॉक्टर के पास चला गया डॉक्टर के पास प्रेम मुझे शक है कि तुम मिस्टर प्राण ये ठीक है कि हमारे आपस में अख्तलाफात है लेकिन हम दोनों दोस्त भी मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपके बीमार दिल को तकलीफ पहुंचे प्रेम सच सच बताओ कि तुम देखिए शायद नर्स आ रही है अगर उसने ऐसे देख लिया तो डॉक्टर से बता देगी कि आप आराम नहीं करते जब आप यहाँ नहीं थे प्रेम तो मिस्टर प्राण ने बहुत डिस्टर्ब किया इज इट अब मैं आ गया हूँ कोई बात नहीं यू गिव हिम द मेडिसिन गोपाल अगर मैं उस दिन मर गई होती तो बोलो ना अगर मैं मर जाती तो मैं तुम्हारे लाखों रुपयों का मालिक बन जाता लेकिन वो लाखों रुपए खर्च करके मैं तुम्हारी याद में कोई ताजमहल ना बनवाता बल्कि अच्छे वकीलों की भेंट चढ़ाकर तुम्हारे भैया को इस जुर्म की सजा दिलवाता नहीं गोपाल मेरे भैया ऐसे नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है प्रेम या मुझे नहीं मालूम गोपाल मुझे नहीं मालूम भूल जाओ सपना भूल जाओ इन बातों को क्या बात है कुछ नहीं कुछ तो नहीं आओ शायद आपको गलतफहमी हुई है मेरा नाम दीपक नहीं है ओह मैंने आपको गलत पहचाना आई एम सॉरी इट्स ऑल राइट क्या बात है गोपाल तुम बहुत परेशान नजर आते हो अपना हम आज वापस बंबई चले जाएंगे बॉम्बे क्यों अब मेरा दिल यहाँ नहीं लगता लेकिन तुम तो कह रहे थे हाँ मैंने कहा था लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ तुम जल्दी से तैयारी करो लेकिन गोपाल ओ प्लीज सपना जैसे मैं कहता हूँ आप यहाँ क्यों आए शुक्र है तुमने पहचाना तो सही
भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ यहाँ ना सही, उस तरफ सही। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आसपास सुनने वाला कोई नहीं, शायद तुम्हें मेरे दीपक कहने पर इतराज ना होगा। मैं चाहूंगा जिस तरह मैं अपना माजी भूल चुका हूं, आप भी मेरे उस पुराने नाम को भूल जाइए। तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? मेरी एक दोस्त। तुम्हारी एक दोस्त या तुम्हारी दूसरी बीवी? जब आप सब कुछ जानते हैं तो पूछते क्यों? सिर्फ इतना जानने के लिए कि तुम कितना सच बोलते हो और कितना झूठ। सुना है कि जिससे तुमने लव मैरिज की है वो लड़की भी तुम्हारी पहली बीवी की तरह बहुत अमीर है, लेकिन मुझे उसकी दौलत से कोई लगाव नहीं। ये तो तुमने उस वक्त भी कहा था जब तुम पर तुम्हारी पहली बीवी विमला के कत्ल का मुकदमा चला था। मैंने सच कहा था, और आप जानते हैं कि मुझ पर लगाया हुआ वो इल्जाम गलत साबित हुआ था। जानता। सुना है कि तुम्हारी इस नई अमीर बीवी को भी मार डालने की कोशिश की गई। आपने ठीक सुना है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो कोशिश मैंने नहीं की थी। तो फिर किसने की थी? मैं नहीं जानता। निकालने की कोशिश तो की होगी, यह काम पुलिस का है। लेकिन जिसे मार डालने की कोशिश की गई वो बीवी तुम्हारी है। जब मैं आबो हवा की तब्दीली के लिए यहाँ आया तो मालूम न था कि सामना तुमसे हो जाएगा। अब मैं एक साय की तरह तुम्हारे पीछे रहूंगा। अगर तुमने अपनी बीवी की जिंदगी पर पहली कोशिश भी मैंने नहीं की थी। उसी तरह से जिस तरह से पहला खून भी तुमने नहीं किया था। बड़े बड़े वकीलों की होशियारी और शक्ति बिना पर पहली बार तुम छूट गए। लेकिन ये कभी भूलने से भी न समझना कि कानून हर बार छूट जाएगा। इंस्पेक्टर कहो, आप एक साय की तरह बेशक मेरे पीछे रहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी मौजूदगी का साया मेरी और मेरी बीवी की खुशियों के ना आए। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। तैयारी शुरू नहीं की? क्या बात है सपना?
गोपाल, मैं इसी वक्त वापस बॉम्बे जाना चाहती हूँ। अगर प्लेन की टिकट मिल गए होते तो इस वक्त हम लोग बंबई में होते। कोई बात नहीं, कल पहुंच जाएंगे। गोपाल, तुम्हें ये क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। डरो मत सपना, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ तुम। सिर्फ मैं? हाँ, सिर्फ तुम मेरे साथ रहना। गोपाल, मैं जरा भैया से मिल के आऊं। तुम उनसे मिलना चाहती हो? वो तुम्हारे दुश्मन है। ये अभी तक साबित नहीं हुआ, सिर्फ शक है। और शक के बिना पर अदालत तो मुजरिम को भी छोड़ देगी। ओके, अरे शायद आप नहीं जानती कि मिस्टर प्राण बीमार है। हम इसीलिए आए हैं। और इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। वो दिल के मरीज है और जिसने उन्हें ये बीमारी दी है, हो सकता है उसे देखकर उनके दिल की हालत और भी खराब हो जाए। आई एम सॉरी। सुबोध की बाबू, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेम साहब का जरा ख्याल रखना। अच्छा बाबू, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। मैं जानती हूं इंस्पेक्टर साहब, मैंने उस दिन आपकी और गोपाल की बातें सुन ली थी, लेकिन मुझे माफ कर दो बीबी जी, ये इंस्पेक्टर साहब का हुक्म था कि मैं आपको घर से बाहर निकलने से रोकूं। ठीक है, लेकिन आप जा कहां रही थी? भैया से मिलने, वो बहुत बीमार है। ये बीमारी एक बहाना भी तो हो सकती है। आपकी सलामती के लिए मैं चाहूंगा कि आप इस बंगले से बाहर कभी मत जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। गोपाल की मोहब्बत पर यकीन करूं कि उसकी बीती हुई जिंदगी के वाकियात पर? अब मुझे उससे डर लगने लगा है। रात यूं यूं करीब आती जा रही है, मुझे लगता है कि जैसे मौत अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही हो। इंस्पेक्टर, घबराओ नहीं, मेरे आदमी इस बंगले के चारों तरफ मौजूद है। अकेली या गोपाल के साथ इस बंगले के बाहर मत जाना, लेकिन गोपाल पर यह जाहिर न होने देना तुम्हें उस पर शक है। हेलो, हेलो, हेलो भैया को हेलो। किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर। सपना, अच्छा हम लोग जल्दी वापस आ गए। जानती हो आज रशियन बैले का आखिरी दिन है और मैं रात के 9 बजे के शो की 2 टिकटें ले आया हूँ। चलोगी ना? मैं? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हें अकेला आना होगा क्योंकि मुझे 7:30 बजे इंजीनियर के यहाँ जाना है, शायद वहाँ देर हो जाए, इसलिए हम वहीं मिलेंगे। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा, तुम गाड़ी में आ जाना। और ये देखो मैं तुम्हारी क्या लाया हूँ, लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। ये रंग जिंदगी का रंग है, चढ़ते हुए सूरज का रंग है, खिलते हुए गुलाब का रंग है और बहते हुए खून का रंग है।
क्या है बाबू? आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? मैंने तो पहली बार देखा है। शक्ल सूरज से शरीफ और अंदर से बदमाश लगता है। अच्छा मैं आता हूँ। मैं गया। मैंने आज तक तुमसे कुछ लिया नहीं दीपक, कुछ दिया ही है और आज भी मैं तुम्हें कुछ देने ही आया हूं। जब मेरी बहन विमला मरी तो उसके हिस्से की जितनी जायदाद, जितना बैंक बैलेंस था, उसका पति होने के नाते तुम्हें सब कुछ मिल गया। और आज मेरी बहन का कत्ल करने के बाद तुम लखपति कहलाते हो। कत्ल मैंने नहीं किया था, इस बात का फैसला अदालत कर चुकी है। इस बात का आज तक फैसला नहीं हुआ कि कत्ल किसने किया है। मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आप क्यों आए हैं? जब मेरी बहन ने भागकर तुमसे शादी की तो ये नहीं जानती थी कि कुछ खानदानी हीरे मेरे बैंक के लॉकर में पड़े थे, जिसके हिस्सेदार हम दोनों थे, जिसका इल्म तुम्हें भी न था। उन हीरों को मैं आसानी से अपने पास रख सकता था, लेकिन वो हीरे सांप की तरह मेरे सीने पर डसते रहे और आज उन हीरों को मैं तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। मुझे इन हीरों की जरूरत नहीं है। क्यों? लेकिन ये दूसरी शादी कर ली। मेरी बहन आज जिंदा होती तो ये हीरे मैं उसे देता, लेकिन तुम उसकी जगह पे आई हो। मेरी ये दरखास्त है कि ये हीरे तुम अब कबूल कर लो। मैं जानता हूं जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं, मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ये एक ऐसा राज था। मैं इस राज को बहुत पहले से जानती हूं दोस्त। मैं जानती हूं कि तुमने एक बहुत अमीर लड़की को घर से भगाकर उससे शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद वो कत्ल कर दी गई। तुम पर कत्ल का मुकदमा चला, लेकिन शक के बिना पर तुम्हें छोड़ दिया गया और तुम उसके लाखों के जायदाद के मालिक बन गए। फिर एक दिन इत्तेफाक से तुम हमारे घर के सामने आकर ठहरे। इत्तेफाक से तुम्हारी गाड़ी का रंग और मॉडल भी मेरी गाड़ी ही की तरह था। इत्तेफाक से बार बार जगह जगह आमने सामने हुए। गोपाल मुझे बताओ, क्या ये भी एक इत्तेफाक है कि तुम्हारी पहली बीवी की तरह मैं भी एक अमीर लड़की हूँ और मुझे भी मार डालने की कोशिश की गई? तुम्हें मुझ पर शक है? शक ना भी हो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब तुमने मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाया तो अपना राजदार क्यों ना बनाया? क्यों ना मुझे बताया कि इससे पहले भी? अगर मैं बता देता कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझ पर मेरी बीवी के कत्ल का इल्जाम लग चुका है,
तो क्या तुम मुझसे बात करना भी गवारा करती, मुझसे मोहब्बत करती, शादी करती मुझसे? गोपाल मुझे बताओ, तुम्हारी पहली बीवी को किसने कत्ल किया था? क्यों कत्ल किया था? सपना मैं नहीं जानता। अगर मैं मर जाती तो मैं तुम्हारे लाखों रुपयों का मालिक बन जाता। मिस्टर दीपक, शायद आपको गलतफहमी हुई है, मेरा नाम दीपक नहीं है। तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? मेरी एक दोस्त। तुम्हारी एक दोस्त और तुम्हारी दूसरी बीवी? और आज मेरी बहन का कत्ल करने के बाद लखपति कहलाते अकेली और गोपाल के साथ इस बंगले से बाहर मत जाना। अकेली और गोपाल के साथ इस बंगले से बाहर मत जाना। अकेली और गोपाल के साथ इस बंगले से बाहर मत जाना। अभी तक घर पे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि शो 9 बजे शुरू होता है। गोपाल मैं नहीं आ सकूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं भी घर आता हूँ और तुम्हें डॉक्टर पिंटो के यहाँ ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना चाहती। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं तुम्हारी शाम खराब नहीं करना चाहती। मैं साइडोन ले लूंगी, ठीक हो जाऊंगी, डोंट वरी। लेकिन सपना प्लीज, लेकिन प्रॉमिस कि तुम शो देख कर आओगे मेरे लिए। मुझे आकर बताना कैसा था। Are you sure, सपना तुम शो नहीं देखना चाहती? हाँ हाँ शो, लेकिन तुम जरूर शो देख कर आना। ओके बाय बाय डार्लिंग। बाय। Thank you.
दरवाजा बंद कर दो। आप मिस्टर दीपक? मेरा नाम गोपाल है। जो कुछ हुआ वो तो आप मुझे मालूम है। माली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपकी मदद का शुक्रिया। शो तो रात को 12 बजे खत्म होने वाला था, लेकिन आप 11:30 बजे ही क्यों वापस आ गए? इसलिए कि शो अधूरा रह गया था। हीरोइन के पांव में मोच आ गई थी। ओ, मैं यूज योर फोन? यस। क्या बता सकते हैं आज आपका शो कितने बजे खत्म हुआ? क्यों, मोच आ गई थी? ओके, थैंक यू। अब तो आपको यकीन आ गया कि शो से जल्दी वापस आकर मैंने। क्या मैं आपका रिवॉल्वर देख सकता हूँ? तो अभी अभी आपने अपने तकिए के नीचे रखा है। से गोली नहीं चलाई गई। तो फिर वो कौन सा रिवॉल्वर है जिससे गोली चलाई गई? मिस्टर वर्मा, अगर आपकी जगह इंस्पेक्टर मैं होता तो इस वक्त तक इस सवाल को हल कर चुका होता। गुड नाइट। मैंने अपना हाथ तुम्हारी गर्दन से इसलिए नहीं रखा। मैं जानती हूँ किसने रखा था।
अब मैं इन हाथों के दबाव को पहचानती हूँ। ये वही हाथ है जिन्होंने मुझे पहाड़ी पर से धक्का दिया था। सपना, आज तक सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी, लेकिन तुम। हाँ, मैं ही गलत थी, दुनिया ठीक शक्कर थी। मगर अब मैं जान गई हूँ कि जो आदमी दौलत हासिल करने के लिए पहले बीवी का खून कर सकता है, वो दूसरे का भी कर सकता है। सपना, मगर मैं तुम्हें इसका मौका नहीं दूंगी। इससे पहले कि तुम मेरा खून करके मेरी दौलत पर कब्जा करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने पहले ऐसी कोशिश नहीं की थी, लेकिन अगर तुम इस घर से बाहर निकली तो मैं सचमुच तुम्हारी जान ले लूंगा। गोपाल का है? उसने मुझे मार डालने की कोशिश की, मैं तो छोड़ के आई हूँ भैया। अब मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। रो मत, रो मत सपना, रो। देखो सपना, तुम उसके साथ शादी कर चुकी हो, वो तुम्हारा पति है। जाओ उसके पास, वापस चली जाओ वापस। भैया वो एक कातिल है। सपना तुम्हें जरूर को गलत करनी होगी। उस पर अपने पहले बीवी के कत्ल का इल्जाम भी लग चुका है। मुझे यकीन है कि वो इल्जाम भी गलत होगा। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। तो क्या मैं ये समझूं कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं? नहीं नहीं ना, नहीं, ऐसा ना कहो। ये तुम्हारा घर है, तुम ही तो इसे छोड़कर चली गई थी। वापस भी तो मैं ही आई हूँ भैया, मुझे यही रहने दो। उठो सपना, जाओ जाओ अपने कमरे में आराम करो। भैया मुझे कहीं बाहर ले चलो। सपना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। खैर अगर तुम चाहती हो तो मैं कल सुबह तुम्हें किसी हिल स्टेशन पर ले चलूं। वहां जाकर तुम ठंडे दिल से सोचना। अगर तुम गोपाल के पास वापस जाना चाहती हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं, वरना तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। जाओ जाओ जाकर। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बच्चा साहब, आपको आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो गोपाल को छोड़कर आ गई है और उससे तलाक लेना चाहती है। क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं प्रेम, नहीं, तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। अगर तुम भी हमारे साथ चल पड़े तो सपना को शक हो जाएगा और फिर हम अपने इरादों में कामयाब ना हो सकेंगे। और राइट, मैं कुछ दिनों के बाद वहां आ जाऊंगा। अरे लाइट को क्या हो गया? रमदाना बुलाना, कहां मर गए ये लोग? मैं भी इलेक्ट्रिक हाउस चेकिंग करके पता लगाता हूं। भैया क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक हाउस वाले? टेलीफोन भी आउट ऑफ ऑर्डर, मैं भी इलेक्ट्रिक हाउस के टेलीफोन चेंज पर कहीं बाहर से फोन करता हूं। ये कपमक मशीनें भी इंसान के दिमाग की तरह होती, अपने आप खराब हो जाती, अपने आप ठीक हो जाती। हेलो, ये सांस ठीक है? मुझे इस वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों? यहाँ आते हुए रास्ते में प्रेम का कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? भैया डरो नहीं सपना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ
हेलो, अब तुम इस घर में अकेली हो। कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम मुझे आखिरी बार देखोगी। मुझे बताओ तुम कौन हो? गोपाल, क्या ये तुम हो? तुमने उस घर से निकल कर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। गोपाल, तुम? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जान लेने की कोशिश क्यों की तुमने? क्या क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? ओ, मेरी कसम छोड़ दो, छोड़ दो मेरी कसम, मैं बताता हूं। बताओ, बताओ। मुझे उससे नहीं, तुमसे दुश्मनी थी। मैं तुम्हें फांसी के तख्ते पर देखना चाहता था, क्योंकि तुमने मेरी बहन को कत्ल किया था। ये झूठ है। झूठ और सच का फैसला करने के लिए ही मैंने सब कुछ किया है दीपक। अपनी बहन के कत्ल के बदले के लिए मैं माली बन के तुम्हारे घर में आया। माली? मैंने 2 प्राइवेट डिटेक्टिव तुम्हारे पीछे छोड़ दिए, एक तो काली गाड़ी वाला और दूसरा तुम्हारा नौकर सुबोध। सुबोध? कश्मीर में मैंने सपना को पहाड़ी पर से धक्का दिया। पुलिस को तुम पे शक हुआ और उसका फायदा उठाकर जब मैंने तुम्हें थिएटर में अकेला देखा तो तुम्हारे घर जाकर मैंने सपना को गोली से मार देना चाहा, लेकिन कामयाब ना हो सका। बताओ, बताओ। मैंने तुम्हारी बीवी को कत्ल करने की कोशिश इस तरह से की कि कातिल तुम समझे जाओ और ये दोनों डिटेक्टिव मेरे गवाह रहे, लेकिन ये नामुमकिन था, क्योंकि ना तो कत्ल मैंने किया था और ना सजा मुझे मिल सकती थी। तो ये खून किसने किया था? मैं नहीं जानता, क्योंकि कातिल का चेहरा मैंने सिर्फ एक बार कत्ल की रात को देखा था, उसके बाद कभी नहीं। आज तक मैं उस चेहरे की तलाश में हूं और जिस दिन वो चेहरा मेरे सामने। भागने की कोशिश मत करो। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर प्राण। प्राण? इंस्पेक्टर, प्राण को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं सपने की जान दे दूं। Leave him! Raj, idhar aao. Come on, sir. Come on, Pran. Be quick. अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की
तो मैं फिर से कह देता हूं, मैं सपना की जान ले लूंगा। Thank you.
अपनी बहन के सामने बताओ कि मेरी पहली बीवी का खून तुमने किया था। मेरे माथे पे लगा हुआ ये कलंक आज तुम्हें मिटाना होगा। तुम्हें इकबाल करना होगा कि मेरी पहली बीवी का खून तुमने ही किया था, और तुम्हें यह भी बताना होगा तुमने क्यों किया था, क्यों किया था, बताओ। बता साहब, इंस्पेक्टर साहब, गोपाल की पहली बीवी का खून मैंने किया था, मैंने क्यों? जो बेवफा थी तुमसे नहीं, मुझसे बेवफा थी, उसने मोहब्बत मुझसे की और शादी तुमसे। जब मैंने सुना कि उसने तुम्हारे साथ शादी कर ली है तो मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाब न हुआ, तुम्हारे घर और जलन के मैं एक रात तुम्हारे घर पहुंचा। मुझे देखकर बिमला चौंक उठी, उसने मुझे जलील करके घर से बाहर निकाल देना चाहा। मैं गुस्से में पागल हो उठा, मैंने उसे गोली मारी। जब घर पहुंचे थे तुम मेरे पीछे भागे, तुमने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन मैं बच निकला और घर के नौकरों ने गलती से तुम्हें खूनी समझकर पकड़ लिया। प्रेम इस रात को जानता था, मेरा दोस्त होते हुए कि उसने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा, सपना से शादी करने की कोशिश की, लेकिन सपना तुम्हें चाहती थी। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो मैं चौंक उठा, मधुर छुपता फिरा, क्योंकि मैं जानता था कि जिस दिन तुम मेरा चेहरा देख लोगे वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन होगा। सपना, मुझे माफ कर दो सपना। गोपाल, मुझे माफ कर दो गोपाल, मुझे माफ कर दो गोपाल। सपना, गोपाल मुझे माफ कर दो। गोपाल नहीं, दीपक कहो। नहीं, मैंने गोपाल से शादी की थी और नफरत भी तो गोपाल से की थी। अपने माजी की वजह से तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं अपने पास रिवॉल्वर रखता, और उस रात जब मैंने तुम्हारी गर्दन से पसीना पहुंचना चाहा तो तुमने मुझे गलत समझ लिया। ये तो अच्छा हुआ कि आज कुदरत ने सारे शक दूर कर दिए और अब मुझे अपना असली नाम छुपाने की जरूरत नहीं। दीपक।